आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होने वाला है। अगर आप देखेंगे आजकल के गुरुओं को, जो सो कॉल्ड गुरु हैं और जो गुरु हैं, दोनों को अगर आप देखेंगे, जो जेन्युइन है और जो अनजेन्युइन है, आप एक पैटर्न नोट करेंगे कि ये आपस में कभी बात नहीं करते एक दूसरे की, और अगर करते भी हैं तो निंदा करते हैं। आपस में कभी बात नहीं करते कि जैसे कि मैंने इनसे ये सीखा, मैंने उनसे वो सीखा। वर्तमान के जो गुरु हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये एक पैटर्न मैंने देखना चालू किया। मैंने कहा ये आपस में एक दूसरे से क्यों नहीं सीख रहे हैं। फिर एक कमाल का पैटर्न मैंने देखा, तो मैंने देखा पुराने जो जमाने में गुरु थे, ओशो, कृष्णमूर्ति और रमण महर्षि, निसर्ग दत्त महाराज, अगर इन सबका जो एरा है उस वक्त हम देखें तो आपको समझ में आएगा ये भी आपस में एक दूसरे की बात नहीं करते थे। ओशो ने तो 2-3 बार कृष्णमूर्ति के बारे में बोला है, लेकिन कृष्णमूर्ति ने कभी भी ओशो के बारे में नहीं बोला उनसे। और वो भी ये बोला है कि बस ओशो ने 1-2 बार की बहुत सही बात करते हैं वो, और ये वो कई बार ये भी बोला है कि आई डोंट एग्री विद हिज पॉइंट, ओशो ने बोला है कृष्णमूर्ति जी के लिए। तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है इस पॉडकास्ट का कि जो गुरु हैं आजकल के, वो एक दूसरे से क्या सीखा ये बात नहीं करते, उनको सुनते भी नहीं है, स्पेशली उनकी निंदा भी करते हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, और उनके पास काम ही नहीं है निंदा करने का, अल्लाह पूरे जिंदगी उनकी निकल गई सिर्फ निंदा करने के लिए कि उसके अंदर ये नहीं, उसके अंदर वो नहीं, उसके अंदर ये नहीं है, पैर हिला हिला बात करते हैं गुस्से में, पक्ष लेते हैं कई गुरु तो कि विवाह सही नहीं होता है। और उनसे पूछो कि आपके माँ बाप कैसे सही थे, फिर आपकी बहन जो ब्याही है वो भी खराब होगी उस हिसाब से, तो क्योंकि सत्य तो हर जगह लागू होगा ना। सत्य ऐसा तो है नहीं कि सत्य मेरे अंदर लागू नहीं हो रहा है और आपके अंदर लागू हो रहा है। अगर विवाह और पत्नियां अगर जीवन को दूभर करती हैं, तो हर एक पत्नी, चाहे वो अफ्रीकन हो, कैनेडियन हो, यूरोपियन हो, ब्रिटेन की हो, इंडिया की हो, रात में 3 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर वक्त वो पत्नी फिर नाटक करेगी। तो अगर आप बात करें तो आप सब पे अप्लाई मत करें, आप ये बोलें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज आर नॉट देयर, जिंदगी दूभर है क्योंकि आपने शादी नहीं करी है, पत्नी दूभर करती है तो पति भी दूभर करते हैं, ये भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और एक बड़ी खराब चीज में है कि कोई औरत नहीं आई है इसमें अध्यात्म में अभी तक। जो औरतें आई हैं उनको, उन्होंने रिलीजन को अध्यात्म में डाल दिया है, जबकि अध्यात्म इज ऑल अबाउट सत्य एंड रिलीजन इज ऑल अबाउट अनप्रूव्ड बिलीव्स। आप एक मान्यता बना रहे हो, उसकी अभी प्रूव नहीं करा आपने, हाउ टू प्रूव दैट आई डोंट नो। आप कैसे प्रूव करोगे कुछ भी है, कैसे नहीं है, नहीं हम मानते हैं, अरे आपके मानने से क्या होता है। तो रिलीजन इज ऑल अबाउट कि आप कैसे प्रूव कर रहे हो, आपने एक मान्यता मान ली, आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो। सत्य इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट मी, व्हाट इज मी, नॉट व्हाट इज गॉड, व्हाट इज विवाह, व्हाट इज पत्नी, व्हाट इज पति, नॉट ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इट्स अबाउट व्हाट इज मी एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स which is attached to me, for example the body, the mind and all these things, what are these things, and then we talk about what is srishti and nature and all that, what are the patterns and programmings and the kanun and the laws and the regulations in this world, not ki kuch bhi aapne dusri baat political baat kar rahe ho ya kuch bhi jaise ki कि लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के वैसे होते हैं। तो आप अगर एक चीज नोट करोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि आजकल के गुरु जो हैं वो कभी भी एक दूसरे से ना बात करते, ना सीखते, ना उनकी टॉक में कुछ ऐसा मिलेगा कि वो कुछ सीखा उन्होंने उनसे। यही चीज पुरानी जनरेशन के जो गुरु थे, ओशो, कृष्णमूर्ति, परमहंस रामकृष्ण के जमाने के, सॉरी उसके बाद के, ये निसर्गदत्त महाराज एंड ऑल दैट, ये भी कहीं ना आप देखोगे कि
इन्होंने बात नहीं करी। अगर बात करेंगे तो पुरानों की बात करेंगे, जैसे संदीप महेश्वरी पुराने की बात करते हैं कृष्णमूर्ति की, जो अभी है नहीं, है ना, पुराने निसरदत्त महाराज, रमन महर्षि की बात करेंगे। ऐसे ही जो और भी गुरु हैं वो पुराने को ही बात करेंगे, जग्गी वासुदेव को देखोगे पुराने की बात करेंगे, करंट में नहीं बात करेंगे। और कमाल की भावना ये है, कमाल की बात ये है कि जब ये मर जाएंगे सब लोग और जो अगली जनरेशन आएगी उसमें जो गुरु आएंगे वो इस जनरेशन की बात करेंगे, तब उनको वो वैल्यूएबल चीज, तब उनके लिए वो नगीना हो जाता है। अभी एवरीथिंग इज लाइक डस्ट। आजकल के जो गुरु हैं उनके लिए जो बाकी गुरु हैं वो डस्ट हैं, पुराने जो गुरु हैं वो नगीना है, वो डायमंड है, और शास्त्र हमारे डायमंड है। आज मैंने अगर कोई किताब लिखी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 500 साल बाद उसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र में आ जाएगी। तो बड़ा खतरनाक पैटर्न है ये। मेरा क्या कहना है, मैं अपना बताता हूं, मैं कभी भी एक व्यक्ति को नहीं सुनता, मैं अपने खुद से सीखता हूं, किताबों से सीखता हूं, खुद के एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से सीखता हूं, और इन सबको भी ऑब्जर्व करता हूं। जिनके बारे में बात करने लायक है मैं बात करता हूं, जिनके बारे में बात करने लायक है मैं बात नहीं करता, और मैं सबसे सीखता हूं। तो मैं आपको क्या शिक्षा देना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप सबको सुने और सबका दृष्टिकोण देखने की कोशिश करें, तो आपको एक अलग एंगल दुनिया का ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सोक्रेटिस ने एक बात बोली थी, जो आदमी खुद से सीख रहा है वो एवरेज माइंड है, जो आदमी किताबों से सीख रहा है वो इंटेलिजेंट है, और जो आदमी बेवकूफ है उस आदमी के पास ऑलरेडी सारे आंसर्स हैं। तो आपको मैं एक चौथा पॉइंट बोलता हूं, जो आदमी किताबों से भी सीख रहा है, खुद से भी सीख रहा है और हर जगह से सीख रहा है, दैट इज अ जीनियस। वर्तमान में जो गुरु हैं उनसे भी सीखो, खुद से भी सीखो, सबसे सीखो। और लेकिन ये जो गुरु हैं आजकल के जितने भी, वो कभी भी सामने वाले की बात नहीं करेंगे कि हमने इनसे सीखा, हमने उनसे सीखा, है ना, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर का एक स्टूडेंट मर जाता है। उनका वो स्टूडेंट जिंदा रहता है सिर्फ पुराने अध्यापकों के लिए, पुराने शिक्षक के लिए, जैसे कि कृष्णमूर्ति और परमहंस रामकृष्ण जी और शंकराचार्य जी के लिए, तो वहां तक के लिए ठीक है, भगवान कृष्ण हो गए, वहां तक के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही सामने कोई अध्यापक देखते हैं वो जो जिंदा है अभी, तो वहां पे कंपटीशन का वो आ जाता है एटीट्यूड, और उनको फिर वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई इनसे हमें नहीं सीखना, क्योंकि ये अध्यापक है, हम भी अध्यापक है, तो अंदर अध्यापक आ ही क्यों रहा है आपके। अगर आपके अंदर सच में एक विद्यार्थी है तो वो हर जगह से सीखेगा। आपको नॉलेज से मतलब है या आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है और ये दिखाना है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको ज्ञानी बनना है या आपको अध्यापक आपको शिष्य बनना है, तो ये आपको डिसाइड करना होता है। तो ये चीज मैंने देखी है कि जब मर जाएगा आदमी तो 200 साल बाद उसकी वैल्यू होती है, जैसे शंकराचार्य जी की होती है, लेकिन अभी जो जिंदा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको एज अ अध्यापक ये लोग कंपटीशन देखते हैं, और कंपटीशन भी क्या देखेंगे, वो उनको लगता है इनकी बात क्यों सुने, क्योंकि वो जिंदा है। हो सकता है उनके मन में आ रहा हो कि ये आदमी सही बात कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कभी भी वो अपने सेशंस में बात नहीं करेंगे, अपनी किताबों में बात नहीं करेंगे, अपने लेक्चर्स में बात नहीं करेंगे उस व्यक्ति के बारे में। इसका पता है रीजन एक और भी है कि जो चीज हमारे पास है उसकी हमें कोई मूल्य नहीं है, हमारा कोई मूल्यता नहीं, कुछ मूल्य नहीं है उस चीज का, और जो चीज हमारे पास नहीं है उस चीज की बड़ी मूल्यता है। जो चीज पुरानी हो गई है जिसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते उस चीज की बड़ी मूल्यता है। आप अगर देखो 98% ओशियन लाइफ अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन आदमी कहां घूम रहा है, बाहर अंतरिक्ष में। तो आपको समझ में आएगा कि स्पेस में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो अननोन में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि कुंडलिनी तंत्र, अघोड़, थर्ड आई, विशुद्धि चक्र, नीलकंठ, मूलाधारा, ये सब चक्रों के बारे में बात करो,
फालतू की बातें इधर उधर करते रहो, जो चीज़ देख रहे हो उसके बारे में बात मत करो, मेरे सामने एक लैपटॉप रखा उसके बारे में बात मत करो, जो चीज़ ब्लैक होल के अंदर है उसके बारे में बात करो, जो चीज़ अननोन है उसके अंदर बात करो भाई। मेरे सामने मन है, मेरे सामने बुद्धि है, मेरे सामने शरीर है, मेरे सामने मोह है, मेरे सामने माया है, मेरे सामने स्मृति है, मेरे सामने भावनाएं हैं, मेरे सामने एक पूरी की पूरी दुनिया है, जगत है। उस जगत के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सृष्टि कैसे काम करती है, उसका मेरे से क्या कनेक्शन, इसके बारे में कोई बात नहीं करना। भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा डायन, इसके बारे में बात करा लो, और जैसे उसको भी देख लिया इन्होंने तो उससे भी इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये मन की प्रकृति है। जो आदमी अभी जिंदा है उसके बारे में बात नहीं, मैं हमेशा सबसे सीखता हूं, मैं पीठ पीछे छुप के जो नहीं भी देखने लायक है वो भी देखता हूं, क्योंकि उससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि इस आदमी की तरह बात नहीं करनी, क्योंकि ये आदमी पक्ष लेता है, ये आदमी जिस तरीके से बात करता है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, उससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, और जो अच्छा आदमी है, जो सही गुरु है, उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ भाई ये भी ये पॉइंट अच्छा था, ये दृष्टिकोण अच्छा है, क्योंकि वो 172 डिग्री एंगल से देख रहा है, मैं 90 से देख रहा हूं, कोई 180 से देख रहा है। देख लोग सेंटर पॉइंट पे ही रहे हैं, देख लोग बीच में ही रहे हैं, सर्कल में अलग अलग जगह खड़े हुए हैं, सत्य एक ही है। कई ऐसे मार्केट में गुरु हैं जो सत्य के बारे में बात ही नहीं करते, दुनिया के बारे में बात करेंगे। कई ऐसे मार्केट में गुरु हैं जो सिर्फ सत्य के बारे में बात करते हैं, दुनिया के बारे में बात नहीं करते। कई ऐसे मार्केट में गुरु मौजूद हैं जो ये बात करते हैं कि एनर्जी डायमेंशन क्या होती है। तो इन सब से मेरे को सीखने को मिलता है। जोर किस पे दे रहे हो एज अ गुरु? आप हमेशा ध्यान रखिए, एज अ गुरु आप कहां जोर दे रहे हो, किस चीज पे जोर दे रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।